Hey guys, welcome back our new vlog. मैं हूं आपका अपना दोस्त राहत सोहेल। आज कुछ सीन ऐसा है, मैं करने वाला हूं आज मोटो व्लॉग। जी हां, सही सुन रहे हो आप, मैं करने वाला हूं आज मोटो व्लॉग। तो मैंने गोप्रो भी लाया है, सब कुछ हेलमेट के अंदर मैंने वो फिक्स कर दिया है। तो बट उस वीडियो देखने से पहले जो भी आज हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए तो प्लीज हमारे यूट्यूब को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड साथ में जो बेल आइकन है उसे ऑल पे सेट कीजिए, तब भी जब कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को कीजिए फॉलो। तो चलिए फिर आज का व्लॉग शुरू करते हैं। हाँ जी, तो दोस्तों की हाल चाल, मैं हूँ आपका अपना दोस्त राहत सोहेल। वेलकम टू बैक अवर फ्रेश मोटो व्लॉग। जी हाँ, ये है मेरी लाइफ का फर्स्ट मोटो व्लॉग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आज हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, शुक्रिया। तो सीन कुछ ऐसा था, मैंने जो गोप्रो लिया था वो बहुत टाइम पहले लिया था, तकरीबन 5-6 महीने पहले मैंने लिया था। उसके बाद इसके अंदर एक इशू हुआ था। इशू क्या हुआ था, जो इसका शटर बटन है वो काम नहीं करता था। सो मैंने फिर इसको यहाँ से वापस जो है चाइना भेज दिया। तो चाइना से वो नया कैमरा आ गया, जो मेरा गोप्रो है वो ख़राब हो चुका था, तो रिप्लेसमेंट में मुझे नया कैमरा मिला। फिर तो मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मैं मोटो व्लॉग शुरू करूं। मोटो व्लॉग करने के साथ साथ अब हम जाने वाले हैं मई में। जी हाँ, मई जैसी स्टार्टिंग मई में हम जाने वाले हैं लद्दाख। इस साल हम लद्दाख रोड ट्रिप पे जाने वाले हैं, इसी अपने इस टारजन के ऊपर। तो यहाँ पे रोक लिया पुलिस ने। باقی از مزه است सोच के मैं निकल गया कि मैं अपने आज इस एक्शन कैमरा का जो है एंगल ऑफ व्यू एंड ऑडियो क्वालिटी देखूंगा। तो अगर आपको ऑडियो क्वालिटी मेरी साफ आ रही है, एंगल ऑफ व्यू आपको अच्छा आ रहा है, वाइड एंगल में शूट हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहना। डिस्ट्रिक्ट के अंदर और एक चीज़ की प्रॉब्लम है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है पार्किंग की प्रॉब्लम है। यहाँ पे पार्किंग कहीं भी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देती है। सो इसीलिए क्या करते हैं, जो बेचारे गाड़ी वाले होते हैं वो रोड के ऊपर ही पार्क कर देते हैं अपनी गाड़ी को, इसीलिए यहाँ पे होता है ट्रैफिक जाम। क्या करते हैं ये लोग जो बर्फ़ लाते ऊपर से फेंक देते हैं रोड के ऊपर, उससे क्या होता है जो भी बाइकर होता है, चाहे मोटो व्लॉगर हो चाहे कुछ भी हो, सो उनको चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बट ये लोग ये बात नहीं समझते यार, ये फिर भी डाल देते हैं रोड के ऊपर। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो अगर मेरे कंट्रोल में बाइक अगर मैं तेज ला के लाऊं, बिस्मिल्लाह, गिरने वाला था भाई, गिरने वाला था, बाल बाल गज गया। मैं यही मैं कह रहा था अभी आपसे कि रोड के ऊपर बर्फ मत फेंका करो यार, मैं फिर भी जवान हूँ यार। अगर कोई बूढ़ा आदमी बाइक लेके आएगा या स्कूटी लेके आएगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इस बेचारे का साइड शीशा ही उड़ा दिया। मैं कोशिश करूंगा इसको ओवरटेक करने की बट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये छींटे उड़ा देता है टायर से, वो पूरे जो छींटे वो आ जाते हैं कैमरा के ऊपर। सो कैमरा भीग ना जाए इसके चक्कर में मैं गाड़ियों से थोड़ा बच के ही चल रहा हूँ। तो आप पानी भी देख सकते हो, जो ये पानी होता है कि ड्रेनेज का सिस्टम जो है क्या फ़ायदा है उस ड्रेनेज सिस्टम का, फिर भी सारा जो पानी है रोड के ऊपर ही आता है। तो ट्रैफिक जाम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, जो सारा जो प्रेशर आता है वो आर्म्स के ऊपर आ जाता है। सो इसलिए जो बाइक है बहुत ज़्यादा मुश्किल चलाने में हो जाती है। और ये देखो शॉप वाले लगे हैं बर्फ को किस में फेंकने के लिए, रोड के ऊपर। ये राइडर्स की कदर नहीं करते यार, हर कोई अपनी अपनी बात के पीछे बैठता है, चाहे राइडर हो चाहे ऑटो वाला हो गाड़ी वाला हो, हर कोई अपने ही मनमानी में मस्त रहता है। तो यहाँ से मैं निकलूँगा अपने घर की ओर, यहाँ से जाता है मेरे घर की तरफ रास्ता।
नो फार्मर नो फूड। सो गाइस, मेरा एक ही मकसद था कि आज मोटो व्लॉग करने का, मेरे को बस इतना ही देखना था कि ऑडियो क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी कैसे आ रही है। अगर आप चैनल पे नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।